हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब खान एंड दिस इज़ योर EBS क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा था, फूड वी ईट, जिसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे फूड के बारे में। अब देखिए पेज नंबर 19 पर, जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जंक फूड हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, वी शुड अवॉइड इट, हमें इससे बचना चाहिए। नो मोर, देखिए, नेवर ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, सड़क किनारे विक्रेताओं से, ठेले से भोजन कभी ना लें। मील्स इन अ डे, वी यूजली टेक 3 मील्स इन अ डे, हम आमतौर पर एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं। देखिए सबसे पहले वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सबसे पहले आप क्या लेते हैं मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट। वी हैव लंच एट नून, और दोपहर में आप क्या लेते हैं, लंच। वी हैव डिनर इन द इवनिंग और एट अर्ली नाइट, और रात में आप क्या लेते हैं, डिनर। वी शुड ईट एट लीस्ट 1 मील टुगेदर विद अवर फैमिली मेम्बर्स, हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ कम से कम दिन में एक बार खाना ज़रूर खाना चाहिए। ईटिंग अ हैवी ब्रेकफास्ट हेल्प अस टू स्टे अटेंटिव एंड डू बेटर एट स्टडी एंड प्ले, हैवी ब्रेकफास्ट लेने से हमें अटेंटिव रहने और अच्छे से स्टडी और खेलने में हेल्प मिलती है। हाउ डू वी ईट फूड, हम खाना कैसे खाते हैं, वी कुक अवर फूड बिफोर ईटिंग, हम खाना खाने से पहले उसे क्या करते हैं, पकाते हैं। कुक्ड फूड इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, कुक्ड फूड या पका हुआ खाना हमारी सेहत के लिए कैसा होता है, अच्छा होता है। इट इज़ ऑल्सो टेस्टी, और साथ में कैसा होता है, टेस्टी भी होता है। फ्रूट्स आर ईट इन रॉ विदाउट कुकिंग, फ्रूट्स को कैसा खाया जाता है, कच्चा ही खाया जाता है या बिना पके हुई ही हम उसे क्या करते हैं, खाते हैं। सम वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो बी ईट इन रॉ, और कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं जिन्हें आप क्या करते हो, कच्चा ही खाते हो या फिर जिन्हें कच्चा खाया जा सकता है। सच एज, जैसे कि दी गई है टोमेटो, कैरेट्स, रेडिश, ईटीसी, ये सभी कैसी हैं जिन्हें आप कच्चा खा सकते हो। स्टूडेंट, देखिए पेज नंबर 20 पर, गुड फूड हैबिट्स, अच्छी खाने की आदतें। टू स्टे हेल्दी यू मस्ट हैव द फॉलोइंग गुड फूड हैबिट्स, हेल्दी रहने के लिए आपको खाना खाने की इन अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले देखिए क्या है, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर यू ईट एनीथिंग, कुछ भी खाने से पहले और बाद में अपने हाथ धोए। ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, साफ और फ्रेश या ताज़ा खाना खाएं। ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल, धीरे धीरे खाएं और अपने भोजन को अच्छी तरह चबाएं। डू नॉट वेस्ट फूड, खाना बर्बाद नहीं करें। टेक ओनली व्हाट यू कैन फिनिश, इतना ही खाना आप लें जितना कि आप खा सकते हैं। रिंस योर माउथ आफ्टर यू ईट एनीथिंग, कुछ भी खाने के बाद अपना मुंह वॉश करें या खुला करें। अब इसके नीचे देखिए क्या लिख रहा है, लेट्स रिकॉल, जो कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, जो कि सब चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है वही सब कुछ इसमें दिया गया है। आई होप ये चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।